चांदीवली विधानसभा में एमआईएम और मजबूत दिख रही है। जी हां, इमरान अकरम कुरैशी की निगरानी में वारिस पठान और हाजी अब्दुल हमीद के हाथों से पार्टी ऑफिस की ओपनिंग की गई। इस ऑफिस के जरिए गरीबों का काम किया जाएगा, मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस और गरीब लड़कियों की शादी के काम अमल में आएंगे। इसी मौके पर इमरान अकरम कुरैशी ने गरीबों को 1-1 लाख का लाइफ इंश्योरेंस देने का वादा भी किया। आइए देखते हैं इस ऑफिस के कुछ मनाजिर। एक सवाल है वारिस पठान साहब से कि इमरान साहब और उनकी टीम का जो चांदीवली में काम हो रहा है उसकी सराहना आप किस तरह से करते हो? मैं बहुत अच्छी रीति से सराहना करता हूँ क्योंकि चुनाव के बाद से बहुत अच्छी रीति से काम हो रहा है। उसके पहले भी काम चल रहा था, बाद में भी लोगों ने काम को कंटिन्यू रखा, कहीं ये रुके नहीं कि हम सिर्फ चुनाव के लिए ही करेंगे। लोगों की सेवा खिदमत करना इम्पोर्टेंट है। और देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, हर इंसान को अधिकार है चुनाव लड़ने का, हर पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो इंशाल्लाह ताला हम क्यों नहीं आगे बढ़े, क्यों नहीं हम लोगों की नुमाइंदगी करें। तो पार्टी फैसला करेगी चुनाव लड़ना, लेकिन आज के वक्त में लोगों की जो ज़रूरत है, लोगों की जो सहायता है, ये हमारा सबसे पहला परम धर्म है, इम्पोर्टेंट ये है। इसलिए यहाँ पे ऑफिस खोली इमरान साहब ने, उनके सहयोगियों ने, काम होगा यहाँ से। हमारा एमआईएम का जो मेन एजेंडा है, वर्क इज अवर आइडेंटिटी, काम करना लोगों के लिए, लोगों की सहायता करना, यही एजेंडा लेके ये ऑफिस को हमने खोला है और इंशाल्लाह आगे काम होता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर यहाँ पर मौजूद मेरे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई जॉइंट सेक्रेटरी जनाब अब्दुल हाजी अब्दुल हमीद साहब, चांदीवली के आपने अपने जनाब इमरान अकरम कुरैशी साहब, इरफान साहब, तमाम जो ये हाजिर हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरी माँ बहनें, आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया है ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक जनसंपर्क कार्यालय की ओपनिंग के तहत रखा गया है। आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि काफी वक्त से आपके हलके के, आपके एरिया के बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे ये लेकर तकलीफ कि वारिस भाई हमारे यहाँ पानी का बड़ा मसला है, आप कुछ कीजिए। वारिस भाई यहाँ साफ सफाई का बड़ा मसला है, आप कुछ कीजिए। तो हम उनको जवाब देते हैं कि ठीक है, हम तो कर रहे हैं, हमसे जो कुछ हो सकता है। पर क्योंकि जवाबदारी इस वर्ड के कॉर्पोरेटर की होती है, जवाबदारी आपके एमएलए की होती है जिसको चुनकर आपने इक्तदार पे बिठाया, आपने अपनी आवाज समझकर असेंबली में भेजा, जवाबदारी उनकी होती है कि वो अपना फंड यूज करे और आपकी जो जो समस्या है उनका हल करे। मगर काफी कंप्लेंट्स आई कि नहीं हो रहा है वारिस भाई, आप कुछ करिए। तो हमने हमारी जो यहाँ की टीम थी, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से 2014 से मुंबई में आई, हमने असेंबली का चुनाव लड़ा, आपकी दुआओं से, आप ही की तरह माँ बाप और बुजुर्गों की दुआओं से, बाइकल्ला से हमको कामयाबी मिली, मैं वहाँ से जीत के आया। तब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में अपनी टीम बनाकर काम कर रही है, लोगों की सेवा करने में मान दी। मगर ये कठिनाई आ रही थी हमको कि काम किस तरह हो, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम आप ही के हलके में, आप ही के बीच में एक ऐसा ऑफिस खोल दें, ऐसा एक जनसंपर्क कार्यालय खोलें ताकि आपको जो भी परेशानी मुश्किल हो आप वहां आकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकें। आप वहां आकर हमारे जो जिम्मेदार हैं इस एरिया के, इमरान साहब, इरफान साहब, हाजी साहब, इनके साथ मिलकर बात करके अपनी तकलीफ बता सकते हैं। ये जो आपके प्रॉब्लम, मसले, मसाइल हैं, ये अपने लेवल पे जितना हो सकेगा
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरी पूरी तरह करने में खड़े उतरेंगे। अगर कहीं पर कानूनी दिक्कत आ रही है, इनको कॉरपोरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है या कोई ऐसा मुद्दा है जो आपके एरिया का असेंबली में उठाना चाहिए, अगर आपका लोकल आमदार नहीं उठा रहा है, तो ऐसे जो अगर मुद्दे कोई होंगे जो आप इनको लाकर देंगे तो इंशाल्लाह ये मुझ तक पहुंचाएंगे और आपके उन मुद्दों को भी हम इंशाल्लाह असेंबली में उठाएंगे और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका काम हो। देखिए इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे, लोग खड़े रहेंगे, वो जीतेगा हार जीत तो अल्लाह सुब्हान तआला के हाथ में है, मगर हर इंसान जब किसी को वोट देता है, किसी को चुनता है, तो उसके एक उम्मीद होती है कि ये मेरा नुमाइंदा है, ये हमारी नुमाइंदगी करेगा, हमारे जो हल्के के मसले मसाइल हैं उनको जाकर सरकार के सामने रखेंगे, मगर कभी नहीं होता, नहीं हुआ जैसा इस एरिया में। लेकिन आपको घबराने की फिक्र करने की बात नहीं है, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में थी है, इंशाल्लाह हमेशा हमेशा रहेगी और आपके कामों को पूरी तरह से करके दिखाना यही हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी रहेगी। और मैं आपकी जानिब से, हम सबकी जानिब से इमरान भाई से भी कहूँगा कि इमरान भाई, इन लोगों ने बड़े विश्वास के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ आपका साथ दिया है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया है और ये काफ़ी उम्मीद लगा के लोग बैठे हैं कि आप इस ऑफिस से इनका काम करोगे, इनकी समस्याओं को सुनोगे और अपनी पूरी जोर पूर कोशिश लगाकर मेहनत करके इनके काम करने में मदद करोगे। तो उम्मीद ये है कि आप पूरी तरह से इनका काम करके दोगे। मैं आज ज़्यादा काफ़ी सारी स्कीम्स बनाई हैं इमरान साहब ने, थोड़े दिनों में वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे, जैसे इंश्योरेंस की भी स्कीम बनाई है, इस ऑफिस से जो गरीब लोग हैं उनको राशन बांटने का भी काम किया जाएगा, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए किताबों का भी अरेंज किया जाएगा, जो हमारी बहनें शादी के लायक हो चुके जिनकी शादियों के लिए कुछ दिक्कत आ रही है माँ बाप के पास, उनकी भी शादियाँ कराने का बीड़ा उठाया जाएगा यहाँ से और ये करके दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस ऑफिस से हर वो मुमकिन काम कर सकेंगे जो आप सराहेंगे और आपकी उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे ताकि आपको किसी को नाराजगी ना हो, हमारा काम ये रहेगा। और हर चीज में देखिए एक काम ये रहता है कि ताली हमेशा दो हाथ से बजती है सर, आपको भी उसी तरह समर्थन करना पड़ेगा जिस तरह से इमरान साहब आपके साथ समर्थन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह आपके साथ है, कोई भी आपको डिफिकल्टी है प्रॉब्लम है हम बैठे हैं आपके काम के लिए। लेकिन मेरी खास तौर से नौजवान तबके से गुजारिश है कि भाइयों मेरे दोस्तों आगे आओ, आज जरूरत है काम की, आज जरूरत है आपके साथ की, आज जरूरत है आपके जज्बों की। तो आप अगर जमात के साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह मुझे यकीन है उम्मीद है कि आपका काम होगा और जमात का तो काम ही अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी, हमारी काम ही हमारी पहचान है और हम तो इस हल्के में ये करके दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हमारा साथ इसी तरह देंगे और हम सब मिलकर कांधे से कांधे मिलाकर अपने क्षेत्र का, अपने इस हलके का विकास करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का यहाँ आने के लिए। दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों और मासूम बच्चों, मैं आप लोगों के आगे छोटे से अल्फाज में मेरी बात को खलास करूंगा। आज हमारा एक नौजवान बच्चा आगे आता है और कहता है कि मैं ये एमएलए के सामने लड़ना चाहता हूं। तो हम लोगों ने इस बात को ये कहा कि तुम लड़ो, मगर इन लोगों का साथ तो पहला दो, अगर साथ नहीं दोगे तो ये तुम्हारा साथ कैसे देंगे। अगर ये भाई हमारा अभी बोला है कि ये कहाँ तक आपको साथ देना है, तो हम लोग सर से लेके पैर तक साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं, सिर्फ आप लोग का साथ देना जरूरी है। मैं मेरी बात को इधर खलास करूंगा और आगे मेरे भाई से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, बहुत खुशी हुई। माँ बहनें हैं जो बेचारे जिनके शौहर नहीं है, विधवा हैं, उनको हमने हमें हर महीना 200-250 लोग फैमिली को राशन देने का काम शुरू किया है। इंशाल्लाह यह तह जिंदगी, जब तक उम्र है जब तक जिंदा हूँ तब तक इंशाल्लाह देते रहेंगे एमआईएम के नाम से।
और एक एक लाख रुपए का, सब जितने बेवाएं हैं सबका एक एक लाख रुपए का इंश्योरेंस किया जाएगा और उसका फ्री कॉस्ट रहेगा, वो पैसा जो भी है मजलिस से अपने मजलिस भरे के MIM उसका जो भी पैसा है भरेगी, आप लोगों फ्री में एक एक लाख रुपए का इंश्योरेंस का पॉलिसी खुल के दी जाएगी। If you like the video, please like, share, subscribe and comment.